नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। काफ़ी लोगों ने एक प्लैनेट को लेके या एक कैलकुलेशन को लेके बहुत कुछ कहा है और कल मेरे पास बहुत सारे सवाल आए कि सर एक बार इस पर आप कोई प्रकाश डालिए, कोई रोशनी डालिए, इस चीज़ को थोड़ा सा क्लेरिफाई करने की कोशिश करिए कि क्या ये वाकई में ऐसा है या नहीं है। हालांकि काफ़ी लोगों से मैंने कॉल पर भी बात करी इस टॉपिक के लिए और फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक वीडियो तो बनता ही है, तो आज उसी टॉपिक को लेके मैंने एक वीडियो यहाँ पर आप सभी के सामने रखा है। बात हम यहाँ पर कर रहे हैं प्लूटो की। प्लूटो एक ऐसा ग्रह जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती, बट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में प्लूटो को बहुत कैलकुलेट किया जाता है। और अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो प्लूटो को यम भी कहा गया है। राहु केतु छाया ग्रह हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये मेन ग्रह हैं और इसके बाद प्लूटो, यूरेनस एंड नेपच्यून तीन और ग्रह आते हैं जिन्हें हम सर्टेन केसेस में ही कैलकुलेट करते हैं। बट मैंने अपने वीडियो में आज से पहले कभी भी प्लूटो को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी या आप सभी के सामने कभी प्लूटो का जिक्र नहीं किया। तो काफ़ी लोगों को ये लगा कि शायद मैं प्लूटो को कैलकुलेट नहीं करता या फिर मैं प्लूटो के बारे में ज़्यादा नहीं बताता, तो मुझे लगा कि आज मैं थोड़ा सा आपको प्लूटो के बारे में बताऊं। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं अपनी कैलकुलेशंस जब भी करता हूं तो मैं सारे प्लैनेट्स को यूज़ करता हूं, सारे प्लैनेट्स को कैलकुलेट करता हूं। हर एक प्लैनेट को कैलकुलेट करने का अपना एक तरीका होता है और उसके बाद उस प्लैनेट को कैलकुलेट किया जाता है। अब अभी एक र्यूमर कह दीजिए या फिर एक कैलकुलेशन कह दीजिए या फिर कुछ ज्योतिषीय गणनाएँ कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से ये कह दीजिए, सभी का ये मानना है कि प्लूटो और सैटर्न का कंजक्शन हुआ है और कोरोना वायरस आया है। ऐसा सभी का कहना है दैट द प्लूटो एंड द सैटर्न कंजक्शन इज गिविंग द कोरोना वायरस। सबसे पहला सवाल कि क्या सैटर्न एंड प्लूटो कंजक्शन इज वर्किंग फॉर इंडिया ओनली और फॉर द वर्ल्ड, इसका कैलकुलेशन मुझे समझ में नहीं आया कि सामने वाले ने कैसे बोला, क्या बोला, क्यों बोला। बट मैं आपको अपनी तरफ से प्लूटो के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जो कि जानना और समझना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए प्लूटो जिसे हम, जैसे मैंने कहा, प्लूटो को यम का कारक माना जाता है, यम बोला जाता है, यम मृत्यु। अगर आप सभी ध्यान से समझेंगे तो प्लूटो का नाम कैसे रखा गया, प्लूटो की हिस्ट्री के बारे में भी अगर आप पढ़ेंगे, 1930 ये वो समय था, 1930 वो साल था जब प्लूटो की खोज की गई थी वैज्ञानिकों द्वारा। 1930 में जब वैज्ञानिकों की द्वारा इस प्लूटो की खोज की गई थी तब एक 11th क्लास की एक गर्ल के कहने पे, एक लड़की के कहने पर प्लूटो का नाम रखा गया था और रोम में इसको अंधेरे का देवता भी बोला जाता है। मतलब कि प्लूटो अंधेरे को डिनोट करता है, प्लूटो अंधकार को, प्लूटो नेगेटिव साइड या ऑफ साइड को डिनोट करता है। ऑफ साइड का मतलब क्या हो गया, मृत्यु के पश्चात अगर हम किसी चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें प्लूटो की कैलकुलेशन पहले रखेंगे। देखिए यम, यम दूत, यम हम किसको कहते हैं, यम वो होते हैं जो शरीर से प्राण निकाल के लेके जाते हैं। हम ज्योतिष शास्त्र में, धर्म शास्त्र में अगर हम देखें तो यम को क्या बोला गया है, शरीर से प्राण को निकालने वाला, मतलब कि आत्मा पर जिसका प्रभाव होता है, आत्मा पर जिसका अधिकार होता है वो यम होता है। शरीर पर यम का अधिकार नहीं पर आत्मा पर यम का अधिकार ज़रूर होता है। तो प्लूटो को काफ़ी लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव प्लैनेट के रूप में कैलकुलेट करते हैं। प्लूटो को बोला जाता है कि ये मृत्यु का कारक है और प्लूटो जब जब आएगा तब मृत्यु ही देगा। मैं आपको कहूँगा कि प्लूटो सिर्फ मृत्यु का कारक नहीं है या सिर्फ हिडन चीज़ों का कारक नहीं है, प्लूटो हिडन चीज़ों पर काम करता है। ऐसी चीज़ें जैसे हम, अगर आज मुझे कोई पुनर्जन्म की कैलकुलेशन करने के लिए बोलेगा तो मैं प्लूटो को कैलकुलेट करूँगा, मुझे कोई पास्ट लाइफ के बारे में कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो भी मैं प्लूटो को कैलकुलेट करूँगा, बिकॉज प्लूटो कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जो दूसरे प्लैनेट्स नहीं बता पाते। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो प्लूटो सिर्फ और सिर्फ मृत्यु का कारक नहीं है, प्लूटो प्राकृतिक आपदाओं का भी कारक है, भूकंप, ज्वालामुखी का भी कारक है, प्लूटो साथ ही साथ आतंकवाद का भी कारक है। प्लूटो इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों तो विज्ञान के क्षेत्र में भी प्लूटो का बहुत बड़ा महत्व है, मतलब कि प्लूटो रिसर्च एंड आविष्कार का भी कारक है।
प्लूटो रिसर्च का कारक है और रिसर्च से प्लूटो के जरिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल करी जा सकती है। रिसर्च के क्षेत्र में प्लूटो के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ों को बाहर निकाला जा सकता है, जैसे कि कोरोना वायरस में कोरोना वैक्सीन का जो इजाद होना है, दैट कॉल्स द प्लूटो बेसिकली, कि वैक्सीन आने का जो इंडिकेशन देता है वो प्लूटो देता है। जब आप मेरे द्वारा सुनते हैं कि इस समय में वैक्सीन आएगी, दैट कैलकुलेट बाय द प्लूटो। अगर आपने अभी मेरी कैलकुलेशन देखी हो कुछ दिनों पहले की, मैंने कहा था कि अप्रैल और मई के महीने में एक वैक्सीन आने का है, चांसेस पूरा पूरा बन रहा है, जब तक कि कोई बातचीत भी नहीं चल रही थी, हमने सुना भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा। और जब मैंने कैलकुलेशन करके आप सभी को सामने रखी, तभी आपने देखा जाइडस कैडिला और दूसरी और वैक्सीन के सामने हमारे स्पुतनिक वी आ चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है। ये सारी अभी रिसेंट हुआ आफ्टर द कैलकुलेशंस एंड इन द टाइम फ्रेम। सो दैट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं प्लूटो की कैलकुलेशन इस तरह से भी की जा सकती है। देखिए, एवरी प्लैनेट हैज़ द पॉजिटिव साइड एंड द नेगेटिव साइड। हर एक प्लैनेट का पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है, बस दिक्कत ये है कि हम शायद पॉजिटिव साइड को पकड़ नहीं पाते या सही से देख नहीं पाते। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं या काफ़ी लोग कहते हैं कि जब जब प्लूटो और सैटर्न का कंजक्शन होता है, तब तब कोई महामारी आती है, कोई बड़ी बीमारी आती है। मैं इसको इस तरह से नहीं बोलूँगा कि जब जब सैटर्न और प्लूटो का कंजक्शन होता है तब तब कोई महामारी आती है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब जब प्लूटो का रोल बड़ा होता है, जब जब प्लूटो अपने आप को अस्तित्व में लेके आता है, अपना प्रभाव दिखाता है, तब तब एक रीसेट का बटन दबता है। जी हाँ, रीसेट का बटन जो होता है, ये रीसेट का बटन आपको ये दिखाता है कि किस लेवल पे अब लाइफ आगे चलने वाली है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आप सभी के सामने अभी रखूंगा, जो कि आप देखेंगे कि जब जब प्लूटो और इस तरह से कंजक्शन बने हैं, तब तब कैसा रिजल्ट यहाँ पर निकला है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ टाइम फ्रेम, आप जाके उन टाइम फ्रेम को चेक करिएगा और उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे प्लूटो ने अपना काम किया था और कैसे कैसे चीज़ों को चेंज करने में मदद करी थी। तो जो समय की शुरुआत हुई है, ये हमने करी है द ईयर 1284, 1284 में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये वो समय था दोस्तों जब यूरोपियन कंट्री में एक नए सिक्के को पेश किया गया था, सोने के सिक्के को करेंसी में ऐड किया गया था। जी हाँ, जो आने वाले 600 सालों तक यूरोपियन कंट्री की मानक मुद्रा बन के रहा, मतलब कि एक स्पेसिफिक करेंसी यहाँ पर बन के रहा। यहीं पर यहाँ के राजा ने अपने आप को एक अलग लेवल पर स्थापित करने की कोशिश करी, तब वहाँ से एक नए दौर की शुरुआत हुई, एक नए दौर को आगे लेके जाया गया। तो ये दिखाता है दोस्तों कि यहाँ पर प्लूटो ने एक रीसेट, मतलब कि एक नई शुरुआत, एक नई चीज़ की शुरुआत यहाँ पर करने की कोशिश करी। यहाँ पर प्लूटो के साथ साथ बृहस्पति भी इन्वॉल्व थे, जुपिटर भी यहाँ पर इन्वॉल्व थे और जुपिटर ने भी कहीं ना कहीं चीज़ों को अलग लेवल पे करने की कोशिश करी। इसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों, तो 1518, जी हाँ 1518 में शनि और प्लूटो साथ में थे। 1518 ये वो समय है दोस्तों जब अगर आप देखेंगे तो हकीकत में गुलामी की जो शुरुआत हुई है वो यहाँ से हुई है। जनवरी 1518 या फिर आप थोड़ा सा अगर और पीछे चलें तो नवंबर 1517, ये वो समय था जहाँ पर पहली बार गुलामी की नींव रखी गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ को, शायद आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और बहुत कम एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है इस चीज़ के ऊपर, बट मैं पिछले से लेके आने वाले 50 सालों तक की कैलकुलेशन कर रखा है और मैं बहुत जल्दी उसको अपनी बुक में भी लिखूंगा। बट द थिंग इज़ कि 1517 से लेके आपकी गुलामी की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी थी और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे साल आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे कहीं ना कहीं गुलामी की नींव और बढ़ती गई और एक समय ऐसा था जब सभी देश कहीं ना कहीं गुलामी के उसमें रह रहे थे। भारत भी उसमें से एक था जिसमें 100 सालों तक अधिकार किया गया था। तो यहाँ से प्लूटो का जो एक रीसेट स्टार्ट हुआ था, एक युग परिवर्तन स्टार्ट हुआ था, वो वहाँ पर एक नई तरीके से, वहाँ पर धर्म को चेंज किया गया था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धर्म ऐड ऑन किए गए थे, धर्म का विभाजन किया गया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस समय 1517-1518। आप अगर देखेंगे हिस्ट्री इसकी तो देखिएगा, अफ्रीकन देशों में एक नया देह व्यापार जिसको हम कहते हैं, या फिर हम गुलामी का व्यापार जिसको हम कहते हैं, उसकी भी शुरुआत यहीं इसी समय हुई थी। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद अगला टर्न कब आया? अगला टर्न आया आपका 1914,
ये वो समय था जब विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, और 1947 ये वो समय था जब विभाजन द्वारा एक नई विश्व व्यवस्था बनती गई। मतलब कि 1947 वो साल था दोस्तों जहां पर पूरे विश्व में एक नई व्यवस्था स्थापित की गई, एक नया दौर स्थापित किया गया, एक नई चीज स्थापित की गई। यहां पर अमेरिका और बाकी सारे देशों के बीच में कहीं ना कहीं बैलेंस बनाया गया, और इस पूरे बैलेंस को बनाने में भी प्लूटो का ही हाथ था। जी हाँ, मतलब कि अगेन देयर इज अ रीसेट फॉर द प्लूटो या बाय द प्लूटो। इसके बाद देखिए, प्लूटो एक राशि में 248 साल रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि 248 साल तक पूरा चक्र एक राशि में नहीं, सॉरी पूरा चक्र करने में 248 ईयर लगते हैं प्लूटो को। और 248 ईयर में जब जब प्लूटो कहीं ना कहीं बैठेगा और किसी के साथ एक स्पेसिफिक कंजक्शन करेगा तो वो हर बार महामारी दे, ऐसा नहीं है, बट काफ़ी सारी चीज़ें प्लूटो यहाँ पर करने का कोशिश करता है। जब प्लूटो इस तरह से आगे चलेगा 1947 के बाद, आप देखिएगा 1982 ये वो समय था दोस्तों जब अगेन प्लूटो और शनि का कंजक्शन बना था। 1982 हिस्ट्री चेक करिएगा, अर्थव्यवस्था में एक बहुत भारी साल यहां पर रहा था। 1982 अर्थव्यवस्था में एक बहुत खतरनाक ईयर रहा था, यहां से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में बहुत सारे चेंजेस यहां पर देखने को मिले थे, और यहां से एक रीसेट बटन अगेन लगाया था ऑन द फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल कंडीशंस पर, सिचुएशंस पर। तो प्लूटो के द्वारा यहां पर 1982 में भी एक नई चीज की शुरुआत की गई थी। और इसके बाद अगर आप सभी ने मेरे से सुना होगा कि 2020-21 यहां पर युग परिवर्तन का समय चल रहा है और युग परिवर्तन का दौर चल रहा है, तो ये युग परिवर्तन का दौर भी एक तरह का एक रीसेट का बटन है जो अगेन घूम फिर के इकोनॉमिकल कंडीशंस पर आकर ही रुकेगा। ये एक्चुअली अगर आपको मैं सही बात बताऊं दोस्तों, तो हालांकि मैं इस बात को अभी बताना नहीं चाह रहा था, बट क्योंकि आज चर्चा चल रही है, आज बातचीत चल रही है, तो आप सभी के सामने खुलासा कर देता हूं यहां पर कि ये जो कैलकुलेशन है या ये जो अभी जो दौर चल रहा है, ये दौर यहां से एक वॉर को इंडिकेट करता है। जो वॉर हम आगे आने वाले भविष्य में देख रहे हैं किस किस के बीच में होगी, ये मैं समय समय पर आपको बताऊंगा, बट ये इंडिकेट करता है कि कहीं कुछ बड़ा आने वाले भविष्य में होने वाला है, और उसकी शुरुआत, एक शुरुआत जिसको हम कहते हैं, ये एक शुरुआत यहां से होने वाली है। तो कब होगा वो मैं आपको जरूर इंडिकेट करूंगा, कैसे होगा, किस किस के बीच में होगा, किस तरह से होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। बट मैंने एक चीज आप सभी को पहले कही थी, इकोनॉमिकल वॉर शुरू हो चुका है, ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है, और कहीं ना कहीं बायकॉट की सिचुएशंस यहां पर हमें देखने को मिली थी जब इंडिया ने चाइना को बायकॉट करने की कोशिश करी थी, चाइना की सारी एप्स को हमने बंद कर दिया है। तो ये एक तरह का एक लेवल का वॉर जो है वो यहां पर शुरू कर दिया गया है। चाइना ने भी हमला करने की कोशिश करी थी तो वहां पर भी चीजें कहीं ना कहीं वर्स्ट हुई और चीज़ें खराब हुई। तो एक शुरुआत जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पर कर दी गई है, और ये सिर्फ इंडिया और चाइना की बात नहीं कर रहा, और दूसरी कंट्रीज़ भी यहाँ पर शुरुआत कर रही है। अंदर ही अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ चल रहा है अभी, और बहुत कुछ बहुत जल्दी सामने आने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप सिर्फ और सिर्फ शनि और प्लूटो को महामारी से डिनोट करोगे तो मैं आपको कहूँगा कि इट इज टोटली रॉन्ग, दैट महामारी शनि और प्लूटो से बार बार आएगी, तो ऐसा नहीं है। महामारी सिर्फ इंडिया में, अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज में ही आए, ऐसा भी नहीं है। दूसरी चीज अगर हम यहां पर देखेंगे दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि शनि और प्लूटो के अलावा, जैसे मैंने कहा, और भी दूसरे ग्रह हैं, नेपच्यून हो गया आपका, यूरेनस हो गया आपका, गुरु हो गया आपका, और बाकी के दूसरे प्लैनेट्स हैं जो कि अच्छे हैं और काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट यहां पर देने वाले हैं। तो इसीलिए एक ग्रह अगर खराब है या एक ग्रह अगर खराब कैलकुलेशन बना रहा है तो इट डजंट मीन कि वो खराब ही रहेगा। हालांकि एक ग्रह अपना काम कर रहा है और बाकी के ग्रह अपना काम कर रहे हैं, पर जब तक सभी ग्रहों का साथ नहीं होगा तब तक एक बड़ी आपदा नहीं आ सकती, एक बड़ी घटना नहीं हो सकती, और जब तक सभी ग्रहों का साथ नहीं होगा तब तक एक बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती, और जब तक सभी ग्रहों का साथ नहीं होगा एक अच्छी चीज नहीं हो सकती। तो अच्छी चीज हो चाहे खराब चीज हो, संयुक्त संयोजन यहां पर होना चाहिए, तभी जाके कुछ रिजल्ट यहां पर निकल के आता है। सो सिर्फ सैटर्न इज सिटिंग इन द ओन हाउस, शनि अपने घर में बैठा हुआ है। आप लोग भी जब अपने घर पर बैठते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
आप ऐसा नहीं कि अपने घर की चीज़ों को तोड़ेंगे, अपने घरों को खराब करेंगे और आप अपने घर को नुकसान पहुंचाएंगे। When the शनि इज इन द पावर, मतलब कि जब शनि के पास अपनी डिग्री है तो प्लूटो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि प्लूटो तब ही नुकसान पहुंचाएगा जब शनि की डिग्री कम होगी और प्लूटो की डिग्री ज़्यादा होगी, जो कि पॉसिबल नहीं दिखाई देता। अब यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगा दोस्तों, कुछ डेट्स और नोट करिएगा। 29th of June, ये 2020 की बात बता रहा हूँ मैं। 29 जून की कुंडली देखिएगा, शनि यहाँ पर किस तरह से था और प्लूटो यहाँ पर किस तरह से था, क्या उस समय महामारी का क्या था वो आपको पता चल जाएगा, प्लूटो धनु राशि में। उसके बाद 29 अगस्त की कुंडली देखिएगा, प्लूटो गुरु धनु राशि में और शनि मकर राशि में। उस समय शनि और प्लूटो की युति नहीं बनी हुई थी, तब भी यहाँ पर आप देखिएगा कि महामारी थी। इसके बाद 29th of November 2020, अगर हम बात करें तो शनि और गुरु मकर राशि में थे और प्लूटो अकेला धनु राशि में था, तब भी यहाँ पर महामारी थी, तब भी प्रकोप महामारी का था। उसके बाद 5 जनवरी वो समय था जब प्लूटो ने वापस से वक्री के बाद मार्गी होकर ट्रांजिट किया था, एंड प्लूटो शनि और गुरु मकर राशि में थे 5 जनवरी को। बट हमारे केसेस बढ़ रहे हैं अप्रैल 2021 में, जब 5 जनवरी को ही कंजेक्शन अगर बन चुका था तो उसके बाद कंजेक्शन को बनने के बाद इफेक्ट आने में 3 महीने का समय क्यों? सो इट इंडिकेट्स कि प्लूटो अकेला नहीं कर सकता कुछ भी जब तक कि उसको दूसरे प्लैनेट्स का सपोर्ट ना मिले। और अब पॉजिटिव चीज में देखिए क्या हो गया है कि गुरु जो है वो यहां पर चले गए हैं, ट्रांजिट कर दिया है, कुंभ राशि में चले गए हैं। अब अगर ध्यान से देखेंगे, एक और अच्छी चीज बता रहा हूं जो शायद नोटिस नहीं करी होगी आप लोगों ने या फिर शायद देखने को ना मिले, नेपच्यून और गुरु का कंजेक्शन यहां पर बन चुका है और नेपच्यून मेडिसिन में, रसायन में, दवाइयों में और नए आविष्कार में बहुत ज्यादा प्रभावी काम करते हैं, और गुरु के साथ नेपच्यून का कंजेक्शन बहुत उत्तम माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें वापस से अच्छे डायरेक्शन में अब आने वाली हैं। मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों था कि नई वैक्सीन आने वाली है, नई मेडिसिन आने वाली है? बिकॉज आई एम सीइंग द प्लैनेट्स क्लियरली ओवर हियर, मेरे सामने प्लैनेट्स हैं, मैं देख रहा हूँ और मुझे पता है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर कितना मूव कर रहा है, कौन कितना कहाँ पर डेंजर दे सकता है, कौन कितना कहाँ पर नुकसान दे सकता है और उस नुकसान की भरपाई कौन सा प्लैनेट कर रहा है। सो इसीलिए दोस्तों, प्लूटो के नाम से डरने की जरूरत नहीं है, शनि प्लूटो की युति से डरने की जरूरत नहीं है। ग्रहों को समझिए, ग्रहों को ध्यान से एनालिसिस करिए और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शनि और प्लूटो की युति या फिर दृष्टि संबंध आने वाले कुछ सालों में वापस बनेगा, तब क्या वापस से महामारी आएगी? तो ऐसा नहीं है। एवरी टाइम द महामारी विल कम, इट इज नॉट द राइट थिंग। महामारी का अपना एक फिक्स टाइम है, महामारी का अपना एक ऑरा है, एक जोन है, एक प्लैनेट कैलकुलेशन से उसी समय वो आती है और उनका फिक्स टाइम होता है। और स्टिल मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा कि राइट प्लैनेट कौन सा है या कौन सा वो मेन प्लैनेट है या कौन सी वो मेन चीज़ है जिसने महामारी की शुरुआत करी, कौन सा वो मेन टाइम फ्रेम है जब महामारी की शुरुआत हुई। बट ये ज़रूर कहूँगा कि नवंबर या दिसंबर से शुरुआत नहीं थी, शुरुआत पीछे ही हो चुकी थी, मार्च के आसपास से ही कहीं ना कहीं इंडिकेशंस मिलने लग चुके थे और उससे पहले ही इसकी नींव रख दी गई थी। बहुत बड़ी कैलकुलेशंस है और 10 मिनट के 15 मिनट के वीडियोस में सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं हो पाता। उम्मीद करता हूँ जितनी चीज़ें मैंने अभी बताई है वो आप सभी को अच्छी लगेंगी और वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको कुछ समझने में ज़रूर यहाँ पर मिलेगा। वो सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो मेरी वीडियो देखते हैं उन सभी से कहूँगा कि थोड़ा सा आप ध्यान रखें ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं और कहाँ पर किस चीज़ को अच्छा कर सकते हैं। सेकंड चीज़, जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस देखते हैं उन सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी जो कि आप पहली बार सुनेंगे शायद, या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पर आपको सुनने को मिल सकती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।